फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं नैनीताल। बेईमान है बड़ा बेईमान। जैसा कि आपने देखा मेरे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आईं, मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ और रास्ते में मुझे एक पल ऐसा लगने लगा था कि मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर आपने देखा मैंने पुलिस वाले भाई साहब से आपकी मुलाकात कराई थी, तो अंकल जी बता रहे थे कि आज यहाँ पर नैनीताल में नंदा देवी का डोला है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है रोका जा रहा है, 8-8, 10-10 गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं। तो मैं परेशान भी हो गया था थोड़ा सा, मैंने कहा क्या किया जाए। बट आई थिंक कि मुझे, मैंने अपने दोस्त के पीछे देख रहे हैं अनस, इनको बुलाया तो ये आए, और आने के बाद इनके आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जब ये आए तो हमारी गाड़ी को पुलिस ने छोड़ दिया था और पुलिस वाले भाई साहब बोले कि आप जा सकते हैं, तो पर मैं गाड़ी छोड़ चुका था, मैं गाड़ी से उतर चुका था, तो फिर भी मैंने उतर कर रास्ते पर लिफ्ट मांगी लोगों से, पर उस वक्त लोगों की गाड़ियां बिल्कुल बिजी थी, फुल थी, तो मुझे लिफ्ट नहीं मिल पाई। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए भी वक्त आया और मेरे लिए वो ड्राइवर इतना अच्छा था कि दोबारा से वापस गाड़ी लेकर गया और उस ड्राइवर ने मुझे फिर से लिफ्ट दी। गाइस आप देख रहे हैं कि मैं आपका दोस्त अली मेहमत फिल्मोग्राफी 78 से यहाँ पर नैनीताल घूमने के लिए आया हूँ और मैं आपको पूरा रिएक्शन दिखाऊंगा। आज यहाँ पर मेला है नंदा देवी का कि जिसमें बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं, मेरे आगे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर हमेशा भीड़ ही रहती है, लोग बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आया करते हैं यहाँ पर, बड़ी दूर दूर से भारत के लगभग सभी हिस्सों से यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। अभी मैं आपको नैनीताल का ताल के दर्शन भी करा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये नैनीताल का ताल है, इस ताल के अंदर बड़ी प्यारी 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 मछलियाँ हैं और बोटिंग भी करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं आज नैनीताल का ताल, देख रहे होंगे आप हमारे पीछे चल रहा है, 5 मिनट का ब्लॉग तो लगभग मेरा होता ही है। ये है अनस यूट्यूबर जो मेरे साथ में आए, राहुल ब्लॉगर, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा भी हो रहा है यहाँ पर और अभी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और भाई देख सकते हैं, बाकी दिखाया हमारे सलीम भाई ने, अभी पूरा दिखाएंगे थोड़ा आगे चल के भी, और सुंदर नज़ारा है। और भाई मैं भी ब्लॉग शूट करने आ रहा हूँ, हमारे साथ एक यूट्यूबर हो रही है जिनसे सलीम भाई अभी मिलवाने आ रहे हैं तुम्हें, जो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं यार। और वो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, वो शायद मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ पर से ही डोला निकलेगा या फिर निकल चुका है, और देखते हैं अभी बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे गाड़ी के अंदर सफ़र करते करते, तो अब यहाँ पर हम रिएक्शन वीडियोज़ बनाएंगे। और मेरे दोस्त ये हैं भाई साहब, कहाँ, हेलो भाई साहब, बताओ ना यहाँ पर आगे पब्लिक को, क्या शादी कब है आपकी? कल को। ये तो गाइस कल मेरी शादी है और परसों भंडारा खाने जरूर आना, ठीक है? इसकी बीवी तो भागी, शादी किससे करेगी? अभी नहीं भागी यार, देख रहा हूँ, देख से नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और सभी मुझे लगता है कि नंदा देवी के मेले की तैयारी में है और डोला जो है उठने वाला है। गुरु ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा हमारा जो है चैनल लोगों तक पहुंचे, यहाँ पर लोग सब्सक्राइब करें, तो पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हमें लोग यहाँ पर जाने, जानते हैं ऐसी बात नहीं, नैनीताल से बहुत सारे फैंस के मेरे पास आते हैं। गाइस ये आदमी मुझसे कह रहा है कि रिएक्शन वीडियो करो, और रिएक्शन वीडियो करने के लिए रिएक्शन चाहिए जो बोलने से आते हैं, और मुझे इतना अच्छा बोलना आ नहीं रहा है, तो मेरा तो म्यूजिकल। तो भैया मैं बोल रहा हूँ दिलीप भाई से यार, रिएक्शन वीडियो लो, लड़कियों के रिएक्शन लो, तगड़े वाले कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं यार, ये क्या बना रहा हूँ, मजा आएगा यार हमें भी और आपको भी देखने में, तो कमेंट करके जल्दी से बताना है मैं सही बोल रहा हूँ नहीं दिलीप भाई की, नहीं रिएक्शन इन्हें लेने चाहिए क्या उम्र के हिसाब से? नहीं तो भैया बीच में तो जरूर थोड़े से गंजे हैं लेकिन रिएक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ये देखो ये तो रिएक्शन आता है, कह रहे हैं गंजे हैं, पर कोई बात नहीं, गंजे हैं तो क्या, दिल तो अपना गंजा थोड़ी है भाई, यूट्यूबर तो बन ही सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो तो बना ही सकते हैं। गाइस ये रिएक्शन लेते लेते कहीं एक्शन ना हो जाए, मैं समझ रहा हूँ कि ये आदमी मुझसे कह रहा है कि रिएक्शन लो और रिएक्शन लेते लेते, ना भैया ये गंजे जरूर है लेकिन रिएक्शन ले लेंगे ऐसी बात नहीं है, थोड़े से गंजे हैं देख सकते हो लेकिन रिएक्शन अच्छे लेंगे ऐसी बात नहीं है। डायलॉग थोड़ा सा पुराना हो गया, मुझे लग रहा है कि एक बार बोल दिया है, बार बार बोलने की इसको जरूरत नहीं है, अब है तो है, क्या किया जा सकता है।